शहर के गेमिंग जोन में टावर राइड के दौरान 5 कमसिन बच्चे हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि कोठी बगलकुंटा में वाक़े क्रेजी चिक्स गेमिंग जोन में 14 फीट तवील टावर राइड के दौरान अचानक बर्खी मसदूद हो गई, जिसके नतीजे में टावर राइड रुक गई। गेमिंग जोन के जनरेटर को दोबारा शुरू करने के बाद टावर राइड अचानक चल पड़ी और इसमें सवार 5 कमसिन 11 साल सफ़ा अलीफा, 5 साल अयान, 6 साल सबा और 8 साल निदा नीचे गिर पड़े। इस हादसे के बाद गेमिंग जोन में सनसनी फैल गई और वालिदैन ने जख्मियों को वहां के एक मुकामी दवाखाने मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बच्चों के वालिदैन की शिकायत पर सुल्तान बाजार पुलिस ने गेमिंग जोन के इंतजामिया के खिलाफ लापरवाही का एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और गेमिंग जोन के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जा रही। मेरा नाम गौस है, अलीपटनम में मेरा मकान है। मेरे बहन और मेरे भाभी बच्चों को लेके ये एबिट्स पे क्रेजी चिक्स बोल के एक गेमिंग जोन है, वहाँ पर आए थे खेलने के लिए। बच्चों को खिलवाने के लिए आए, आके जो है ना अंदर एक झूले में बैठे। बैठने के बाद में झूला अप डाउन का है, वो क्रेजी टावर बोल के उसका नाम है। ऊपर नीचे होता। कितने फीट का है साहब ये? करीब एक 15 फीट का होगा। ये जब गया आधे पे रुक गया, इन्हें एक 8 फीट पे रुक गया, करंट चले गया, सडन करंट जाने की वजह से उन्हें आधे पे रुक गया। फिर इनके पास जो है ना जनरेटर वो मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। ये गेमिंग जोन में ऑटोमेटिक चलता, सडन रुक गया, पूरा अंधेरा हो गया, फिर आ गया करंट एक मिनट के बाद में। जब करंट आने के बाद में झूला ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वो उसका वायर कुछ टूट गया, वायरा अंदर जो वायर आते हैं वो वायर टूट के नीचे गिर गया। तो 5 बच्चियां थे, एक 11 साल के 2 बच्चियां हैं, 8 साल के 2 बच्चियां हैं, एक 6 साल की बच्ची है। बच्चियों को कमर पे पेट में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, एक्सरे कराए हैं अभी हम आदित्य हॉस्पिटल को लेके जाके। वो मैनेजमेंट ही लेकर गया, जब तक हम पहुँचे तक मैनेजमेंट लेके गया, उधर लेके जाके एक्सरे करवाया, वो स्कैनिंग करवाया, उसमें तो बोल रहा कि घुपत मार है। अभी लेके जाके हम कल सुबह में रेनबो में चेक कराएंगे तो हमको डिटेल मालूम होगा। बच्चे पूरे 5 बच्चों को ही मार लगे सर? जी हाँ, पूरे 5 बच्चों, एक बच्ची को थोड़ा बहुत है जी। करीब 4 बच्चियों को पेट में दर्द, कमर में दर्द ही बोल रहे हैं हम लोग। पूरा ख़त्म हुए तक अभी भी 3 घंटे तक हॉस्पिटल में रहने के बाद में भी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हुआ, कमर में दर्द पेट में दर्द बोल रहे हैं। घर में जाने के बाद में भी अभी फ़ोन आया कि अभी भी दर्द से तड़प रहे बच्चे। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं वो एक इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट बार बार हो जाएगा। तो वो पूरे झूलों की हालत पूरी आप जाके देखिए, कुछ भी नहीं है, पूरे ख़राब हो गए हुए। और ये हमारे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हड्डी उड्डी टूटी नहीं, अभी तो घुपत मार है। कल लेके जाके अगर चेक कराएंगे तो मालूम होगा, किसी और को नहीं होना ये, उसमें अवॉइड करिए। और वो मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको पूरे नए इक्विपमेंट लेके आके जो है ना उन्होंने इंस्टॉल करें उसमें। वो जो पुराने हैं 30 साल से चला रहे थे, उन्होंने सीसीटीवी मौजूद नहीं है सर? सीसीटीवी मौजूद है, हम गए तक बंद करके चले गए। उन्होंने कल सुबह में जो है ना हम सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में हम रिपोर्ट लिखाए, एफआईआर हो गया। कल सुबह में जो है ना एसआई साहब बोले कुछ ऐसा ही है, उन्होंने बोले कि मैं जाके सीसीटीवी सुबह में मॉर्निंग आवर्स में चेक करता हूँ, पूरे काम वाले चले गए। मेरी गुजारिश यही है कि ये जो कंसल डिपार्टमेंट है, ये जो गेमिंग जोन को देखता, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रा आइए आप उसमें इंस्पेक्शन करिए। अगर वो झूले पुराने हो गए और किसी को नुकसान हो सकता तो वो फौरन सीज करिए। मेरी ये गुजारिश है। शुक्रिया।
अरे अंदर अंदर फोन थी अंडा అన్నా మీకు మీకు ఎట్లా రైట్ ఉంటుంది కొట్టడానికి?